पिछड़ों का अधिकार मिलना चाहिए, उस अधिकार को लेकर आप आगे भी बढ़ रहे हैं, लगातार युवाओं के दिलों की धड़कन भी है आप, तो क्या लग रहा है आपको वो जो अधिकार से वंचित है वो अधिकार मिल पाएगा इस देश में लगातार? आपके दिल में धड़कता हूँ बताओ, अगर आपके दिल में धड़कता हूँ तो फिर ये जान लीजिए तमाम भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता से इस देश में कुछ मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है, छीनने के लिए ताकत अपने लोगों को तैयार होना है, ताकत जिस दिन ताकत होगी उस दिन किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, और मैं मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ, छीनने के लिए पैदा हूँ, आजाद पैदा हूँ। और विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ, अगर मेरे लहू की जरूरत उनको पड़ेगी तो उनका भाई क्या बहुजनों को दलितों को आदिवासियों को पिछड़ों को छोड़ने की कोशिश है पूरे देश में चल रही है, उनके बाद फिर उद्घाटन हो झारखंड में भी हमारी दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमान इनकी आबादी बहुत है, लेकिन इनकी आवाज जितनी आप सबसे ज्यादा मामले मुझे लग रहा है पूरे देश में जो है और सरकारी सहमत कहती है उनकी मौजूदगी है मैं तबरेज का दर्द बोला अपने दर्द को याद रखते हैं उसने लोग लेकिन उसके बावजूद भी तो सर झारखंड में कानून अभी तक बना नहीं है पालन हुआ है लेकिन कानून अभी तक पास नहीं हुआ आदिवासी सरकार है हमारे आवाज का दम यहाँ कमजोर है आप देखना कल जब आवाज उठेगी तो कानून भी सारे क्या लगता है कहीं भी बात अगर एक महीने में धरातल पर आए तो पता इससे पहले भी कई सारे लोग आए और उन्होंने दावा किया था वादा भी किया था कांग्रेस के कई सारे लीडरों ने भी कहा था कि मॉबिलिटी को लेकर हम काम कर रहे हैं और सरकार इस पर निरंतर जो है काम कर रही है लेकिन वो जमीन पर उसका असर नहीं दिखा है सर अभी तक बहुतों की जो बात करते हैं आप ये दलितों का आदिवासियों का पिछड़ों का अधिकार मिलना चाहिए उस अधिकार को लेकर आप आगे भी बढ़ रहे हैं लगातार युवाओं के दिलों की धड़कन भी है आप तो क्या लग रहा है आपको वो जो अधिकार से वंचित है वो अधिकार मिल पाएगा इस देश में लगातार? आपके दिल में धड़कता हूँ बताओ, अगर आपके दिल में धड़कता हूँ तो फिर ये जान तमाम भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता से इस देश में कुछ मिलता नहीं है छीनना पड़ता है छीनने के लिए ताकत लोगों को तैयार होना है ताकत जिस दिन ताकत होगी उस दिन किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और मैं मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ छीनने के लिए पैदा हूँ आजाद पैदा हूँ और आजाद सर आपकी गाड़ी पर और माफ कीजिएगा आपकी कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमले भी हुए अभी थोड़ी पहले और शीशे भी तोड़े गए तो क्या एक विरोधियों का किस तरह का ये शीशे तोड़ेंगे और हम भी तोड़ेंगे और देखो मैं गिरोहों के औकात जानता हूँ पीछे से हमला करेंगे सामना आमना सामना करेंगे मैं लोकतंत्र को मानता हूँ सामना मैं टकराना नहीं चाहता लेकिन जिस मुकाबला होगा तो उनको ऐसा पूरा एक बार मुकाबला पछाड़ देंगे मुकाबले में अपने पहले मेरे बारे में नहीं तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सब लोग अमन चैन से जिये लोगों को जिये किसी को धर्म के नाम पर जाति के नाम पर मोबिलिटी ना की जाए उनकी हत्या ना की जाए किसी को किसी के बेटे को किसी के पिता को उनके परिवार को पिता ना किया जाए उनकी ताकत दिखानी है तो लोगों का कमजोर लोगों को पीटने वालों को अपने आप को ताकत बना सकते पैरों का इलाज करना मना कल हुंकार दिखेगी आपको मुझे लगता है मैं तो अभी तो प्यार बांटने के लिए आया बाकी प्रयास रहेगा कि अपने लोगों से मिलकर उनके दूर बहुत बहुत धन्यवाद उनसे बात करने के लिए। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद रावल जो जमशेदपुर की धरती पर झारखंड की धरती पर पहली बार पहुंचे हैं और उनका पुरजोर इस्तेमाल किया जा रहा है कई सारे सवाल हमने उनसे किए और उन्होंने उन सवालों के जवाब भी दिए हैं। अब देखना होगा कल जो जमशेदपुर के आम बगान में जब चंद्रशेखर आजाद रावल मंच पर चढ़ते हैं तो किस प्रकार से वो झारखंड की सरकार को भी इस तरह से घेरे में लेते हैं क्योंकि झारखंड में मॉब लिंचिंग को लेकर जो सबसे बड़ा एक मुद्दा था कानून नहीं बन पाया कानून पास नहीं हो पाया है उसको लेकर भी हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा है कि वो काम भी एक महीने के अंदर होगा।